प्याऊ के पास से गुजर के निकलने लगे, एक बुढ़ा आदमी पानी पिला रहा है, ठंडा पानी। अब पानी पिला रहा है, पानी पीने वालों को प्यास नहीं है। अब प्यास नहीं है तो 50 प्रश्न करेगा, ये खेत किसका है, ये प्याऊ किसने बनाई है, ये प्याऊ क्यों बनाई है, पानी कहां से आता है, तुम लोग पानी छान के भरते हो, तुम कहां से पानी लाते हो, तुमको तनख्वाह कौन देता है, ये प्रश्न क्यों कर रहा है। उसको प्यास नहीं है, उसको प्यास बिल्कुल नहीं है 50 प्रश्न किए। और कोई प्यासा व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आता है और ना वो प्याऊ देखता है, ना पानी कौन पिला रहा है उसको देखता है, ना जाति पाति देखता है, भूख लगा के घट 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 पीने के बाद ही उसे याद आता है कि प्याऊ किसकी लगी हुई है। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भी जो भावुक है, जो रसिक श्रोता है, वो तो चार चार पांच पांच बसे बदल बदल कर भी आ जाएंगे और आके गोविंद की कथा सुन के चले जाएंगे। उनको नहीं परवाह कि कौन, और जिनको ये भागवत के रसिक नहीं है वो बगल में बैठे हैं फिर भी नहीं आएंगे। बोले क्या जरूरी, अभी तो 7 दिन चलेगी। इसलिए जो भावुक है, रसिक है, उनके लिए बताया है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयो मोहरहो रसिका भुवि भावुक भुवि भावुक। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो ऐसे भी लोग बोलते हैं, रोज क्या कथा सुननी है, क्या रोज का, वही तो बालाजी सेवा धाम वाले महाराज जी है, मैं जानता हूं उनको, क्या क्या रोज कथा हमारे पास ही रहते हैं, क्या कथा सुननी है, अरे रोज रोज वही तो भागवत है, क्या सुननी, एक बार सुन ली। जो ये कहता है समझ लो भागवत का महत्व नहीं जानता है, समझ लो वो राम कथा से परिचित नहीं है, कृष्ण कथा से परिचित नहीं है, भगवान विष्णु से परिचित नहीं है। राम चरिते जय सुनत अघाई, राम चरिते जय सुनत अघाई, राम चरिते जय सुनत अघाई, राम चरिते सुनत अघाई, रस विसे जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा श्रवण रहन अहि अवन समाना, श्रवण रहन समाना, श्रवण रहन अहि भवन समाना।
है हरि कथा सुनी नहीं का, हरि कथा सुनी नहीं का। जो जो ये कह दे कि रोज क्या कथा सुननी है, समझ लो कथा का महत्व नहीं जानता। मुंह रहो रसिका भूल भाव का, अरे भाव को इसको बार बार सुनो, एक बार नहीं हजार बार सुनो। सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार रोज सुनो, रोज कथा सुनो दीनाना, इसमें कोई दिन नहीं कोई मास नहीं, प्रातः उठते प्रभु की कथा सुनो। मेरे पास लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी मन बहुत करता है कथा करवाने का, बहने आती है आश्रम में जब बैठा रहता हूं तो, महाराज जी बहुत कथा, लेकिन आजकल तो कथा में बड़ा खर्च आता है, इतना खर्च हम नहीं बहन कर सकते। मैं मेरी बहनों से करवत प्रार्थना करता हूं, कथा में एक रुपए भी खर्च नहीं आता है। अब आप पूछे महाराज कैसे नहीं आता है, पूछो कमेटी वालों को कि नहीं आता है, क्या आता है एक क्या लाखों आते हैं, बोले कैसे नहीं आता है। यदि मेरी बात मानते हो तो मैं आपको बताऊं, कौन कौन मानेगा हाथ खड़ा करके बताओ, सब मानेंगे। आप घर में जाओ, घर जाने के बाद आप देखो आपके घर के अंदर आपकी बहू जो है पढ़ी लिखी डबल ए में पास है, आपकी बहू पढ़ी लिखी है और आप अपनी बहू को गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक श्रीमद् भागवत की पोथी खरीद के लाके दो और उसको नित्य प्रति बोलो, प्रातः उठ के हवन यज्ञ करके पांच शब्द का पाठ करने के बाद भागवत का एक अध्याय रोज तो मुझे सुना, एक अध्याय रोज सुना। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में आपकी एक भागवत की आवृत्ति पूरी हो जाएगी। बताओ क्या खर्च लगा, क्या खर्च लगा, एक पैसा नहीं लगा, पूरी भागवत की कथा हो जाएगी। हम आप पूरी नहीं सुना पाएंगे 7 दिन में, लेकिन घर में आपकी बहू आपको 7 दिन की कथा पूरे एक वर्ष में सुनाएगी। श्रीमद् भागवत सदग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ है, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। भागवत एक नाचने कूदने गाने का महाराज, ये कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे क्षमा करना। आजकल के लोग केवल नाच लेते हैं गा लेते हैं कूद लेते हैं चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का बहुत बड़ा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ। कृष्ण कथा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। आपके हमारे समक्ष कौन नहीं जानता है, नागौर शहर के भाई श्री भोजराज जी सारस्वत साहब पधारे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा। इनके साथ इनके अजीज मित्र भाई श्री चैलू सिंह जी आसिया साहब पधारे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। हमारे बालाजी सेवाधाम के परम साधक है, अभी आपने देखा होगा
प्रयागराज में भी भागवत की कथा पूर्ण करवा के आए हैं, तो फिर से एक बार इनके लिए तालियों की सेवा। मैं निवेदन कर रहा था, कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई वक्ता मिले तो उनसे ही कथा कराओ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि कोई संत मिले तो ही कथा होगी, नहीं, जरूरी नहीं। कन संत मिलेगा नहीं, समय चला जाएगा। कोई महात्मा मिला ही नहीं, कोई वक्ता मिला ही नहीं, समय चला जाएगा। इसलिए आपके घर की पढ़ी लिखी बहू है, डबल ए में पास बहू है, उस बहू को कहो बहन तू बैठ, एक अध्याय तू मुझे रोज सुना, एक साल में आपकी पूरी भागवत की कथा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ है, इसकी एक बार शरण जानी चाहिए। आपने देखा होगा, सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत को देवताओं को ठुकराया। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत में वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, वक्ता भी ज्ञानी हो श्रोता भी ज्ञानी हो तो ही कृष्ण की कथा भागवत कथा गूढ़ बनती है। तो कितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि मैं भागवत मैंने बहुत सुन लिया। मैं कहता हूं समझ लो उसने भागवत नहीं सुनी है। कितने वक्ता ऐसे हैं वो कहते कि हमने भागवत हमें कंठ है, हम तो भागवत बोलते हैं नहीं। भागवत एक विषय बहुत आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, ये आपका हमारा विषय नहीं है। ये परमहंसों की संगीता है। जो परमहंस थे सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, मुनिमान तोस्मी, जो साक्षात भगवान सुखदेव परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की। तो मैं कह रहा था एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, जब तक आपका, जब तक आप के शरीर में चैतन्य है, प्राण है, तब तक भागवत सुनते रहो। मुह रहो रसिका भूमि भाव का, रसिका भूमि भाव का। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज सोन का दृश्यों को लक्ष्य करके भागवत के महत्व की चर्चा सुनाई। आपने देखा होगा कल महत्व की चर्चा सुना रहे थे, आज श्री सूत जी महाराज से सोने का ऋषि एक प्रश्न करते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च आख्यात्याभिधीतानि धर्मशास्त्रानुत। श्री सूत जी महाराज सोने का दृश्यों को लक्ष्य करके एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हे गुरुदेव, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, आप बड़े विद्वान हैं, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कोई भी संत मिले, कोई महात्मा मिले,
तो उससे कभी फालतू प्रश्न मत करना, और प्रश्न करने की आदत पड़ी है तो भागवत से सीख लेना कि प्रश्न कैसे और क्या प्रश्न करना है। सूत जी से सोनक आदिशों ने कई प्रकार के प्रश्न किए हैं, दो चार प्रश्न आपको बताऊं। गुरुदेव, पहला प्रश्न मेरा एक है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? प्रश्न बड़ा सुंदर है, बड़ा सटीक है। मानव जो है, मनुष्य मात्र जो है, उसके लिए परम धर्म क्या है? अलग अलग लोगों के पास में जाते हैं तो अलग अलग बात मिलती है हमें, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। किसी लोगों के पास में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी प्रातः जल्दी उठना ही धर्म है। किसी संत के पास में जाते हैं तो कहते हैं गौ माता की सेवा करना ही धर्म है। किसी संत के पास में जाते हैं तो बोले संत महात्माओं की सेवा, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान करना ही धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? आखिर धर्म कहते किसे है? कृपा करके आप ये बताओ कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या थी? कृपा करके आप बताओ कि धर्म है, धर्म क्या है? हजारों संत बैठे हुए हैं और हजारों संतों के मध्य एक संत खड़े होके बड़े सुंदर ढंग से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न हमारा एक और है महाराज जी, हमने एक प्रश्न आपसे करते हैं कि हमने देखा है कि एक मंदिर है, एक मंदिर, उस एक मंदिर में देखते हैं 10 दरवाजे लगे हुए हैं और 10 दरवाजे में घूमते हैं तो अंदर घुसते ही एक मंदिर में 50 देवता बैठे हैं। एक मंदिर में 50 देवता सामने देखे हनुमान जी महाराज, बगल में देखे शंकर भगवान, इधर देखे संतोषी माता, इधर देखे तो दूसरी माता। अब 100 ग्राम चना बादाम लेके जाओगे मंदिर में प्रसाद, हनुमान जी को चढ़ा दिया, दुर्गा जी को चढ़ा दिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। घूमते घूमते परिक्रमा करोगे तो महाराज 100 ग्राम चने बादाम तो समाप्त हो गए, पीछे देखा तो एक भैरू बाबा ऐसे ही बैठे, तो भैरू बाबा को चढ़ाना भूल गए, समाप्त हो गया। प्रसाद किसको चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना है, आप कृपा करके बताओ। किसको पूजे और किसको छोड़े हैं? एक प्रश्न हमारा और है, वेद में भगवान विष्णु अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, तो वेद में अजन्मा है, जन्म नहीं होता है, तो महाराज देवकी के घर कृष्ण ने जन्म कैसे लिया? यशोदा वल्लभ भगवान कृष्ण कैसे बने? कौशल्यानंदन राम कैसे बने हैं? तो जन्म तो लिया। कृपा करके ये बताओ, अनेकों अनेक प्रश्न है। एक प्रश्न है भगवान की अवतार कितने हुए हैं? किसी महात्मा के पास में जाते हैं तो महात्मा जी पढ़ लिख कर कहते हैं कि 24 अवतार हुए। किसी संत के पास में जाते हैं तो महात्मा कहते हैं 10 ही अवतार हुए। किसी महापुरुष की शरण में जाके देखते हैं तो वो कहता है अरे विष्णु के 2 ही अवतार है, राम कृष्ण। कृपा करके बताओ भगवान के अवतार कितने हुए? कोई 10, 24, 2 असल में कितने अवतार हैं? एक प्रश्न हमारा और है, कृष्ण कथा का वक्ता वो नहीं श्रेष्ठ है जो बहुत छोटी बात को बहुत बड़ी बना के बताए।
कृष्ण कथा का वक्ता वो श्रेष्ठ है कि बहुत बड़ी बात को छोटे ही रूप में सामने परोस दे। अतः साधो त्रियत सारा समुद्रत्या मनीषया। जो शास्त्रों का सार है और सार सार बताने की कृपा करें। महाराज जी एक प्रश्न और कर लूं क्या? हां बोलो। एक प्रश्न हमारा यह है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके यहां से गए थे, यहां से संपन्न करके लीला गए, तो कृष्ण ने तो कहा है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। भगवान ने गीता में गाया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, तो भगवान जब चले गए तो धर्म कम शरणागत, फिर धर्म किसकी शरण में रहा? भगवान चले गए, धर्म शरण में किसकी रहा? आप कृपा करके हमको ये बताइए। ब्रूही योगेश्वरा कृष्णा ब्रह्मण्ये धर्म वर्मिणे श्रीकंठा मधुनोपेत धर्म कम शरण। श्री हरि कृपा करके बताइए, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण? आचार्य शिवदेव भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा करें। सूत जी महाराज ने सोने का दृश्य से कहा, देखो नारद जी बड़े विचित्र संत है, नारद बड़े विचित्र संत है। आपको मैं बताऊं, नारद किसे कहते हैं? नारद, नारद माने क्या होता है आपको पता है? नारद माने नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो प्रत्येक जीव को ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। या फिर नारम अज्ञानम दितिखंडयति इति नारद, जो भक्त के दिल में अज्ञान है उस अज्ञान का खंडन करे उसका नाम नारद है। एक संत जी हमसे कहने लगे, महाराज जी आप नारद का अर्थ जानते ही नहीं हो। मैंने कहा महात्मा जी आप बता दो। उन्होंने बहुत बड़ा सुंदर ढंग से बताया, बोल महाराज जी बात को अन्यथा मत लेना। मैंने कहा बोलो। बोले नारद, जिसकी बात कोई नहीं रद्द करता उसका नाम नारद है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा भगवान के मन का नाम नारद है। भगवान को जो कुछ करवाना होता है वो नारद के द्वारा करवा लेते हैं। सज्जनों थोड़ी सी चर्चा करें, भगवान सुखदेव के चरित्र पर नजर डालें। ये भागवत की कथा नहीं है, भागवत की कथा में ये कथा नहीं आती है, ये कौशिका संगीता की कथा है, विष्णु महापुराण की कथा है। इसे थोड़ी सी नजर डालेंगे। अच्छे लोग बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं। मैं हर जगह बोलता हूं कथा में भीड़ की जरूरी नहीं है, ज्यादा भीड़ मत करो, कथा सुनने वाले चाहिए, सुनने वाले। सुखदेव भगवान ने कथा कही परीक्षित, किया तो ज्यादा भीड़ भक्कड़ नहीं थी, सुनने वाले।
श्रोता परमादरणीय श्री सुखदेव भगवान, तोता के रूप में तोता समझते हो, सुख पक्षी ये देखो ऊपर लगा है, तोता के रूप में गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे। राधा रानी की गोद में क्रीड़ा। सज्जनों, एक दिन मन में विचार आया, खेलते 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 मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में कहां आए हैं? मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत के ऊपर आए हैं। कैलाश पर्वत में कौन रहता है? बोल, कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ रहते, शंकर। जोर से जयकारा बोलिए श्री शंकर भगवान। देखो एक बात क्यों, क्या भगवान शंकर के समान कोई कृपालु देवता नहीं है? शंकर भगवान के समान, और एक बात क्यों, क्या नाराज मत होना, भगवान शंकर तुम्हारे भाई है। या बिश्नोई कितने, जरा हाथ खड़ा करके बताओ, बिश्नोई, सब बिश्नोई है। बिश्नोई के भाई कौन है? बोल भगवान शंकर है। अब आप कहोगे कैसे, बिश्नोई किसे कहते हैं? बिश्नोई माने होता है वैष्णव, वैष्णव समझते हो, विष्णु भगवान का भक्त वैष्णव होता है। तो वैष्णव है ये, गुरु महाराज ने आपको वैष्णव बनाया। हम हमारी भाषा में बिश्नोई बने हैं, लेकिन है वैष्णव। और सबसे बड़े वैष्णव कौन है? सबसे बड़े भगवान शंकर वैष्णव है। वैष्णवानां यथा शंभु, शंकर की कथा तो शंकर की है। मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ी खुशी है कि अभी अभी हमारे भोजराज जी ने सीलवा के अंदर श्री शिव महापुराण की कथा करवाई। शिव महापुराण अद्भुत कथा, अद्भुत कथा। हम आपको सुनाएंगे शिव पुराण की कथा। वेद जी ने हमसे बताया, बोला हमने शंकर भगवान का वहां हमें मंदिर बनाना है सतेरण में, और हर महीने हर साल हम वहां करते हैं वो शिवरात्रि मनाते हैं। तो महाराज जी इस बार एक शिवरात्रि में शिव पुराण की कथा। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तुम जागरण लगाते रहो, और जागरण लगाते लगाते जब जग जाओगे तब शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। बिगड़ जागे कथा नहीं सुन सकते हैं। शिव पुराण की कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। शंकर के समान कोई कृपालु देवता नहीं, ध्यान रखना। एक हेडपंप के लोटा पानी का भर के चढ़ा दिया तो खुश हो गए, शंकर भगवान। और मंदिर में घुसने के बाद में घंटा चुरा के भग गए तो खुश हो गए, शंकर भगवान। एक कोई बहुत बड़ा भक्त था, बताऊं क्या, सुनाऊं? एक बहुत अच्छा भक्त था, भगवान शंकर की रोज बड़ी सुंदर महाराज ढंग से पूजा करता, पंडित जी के द्वारा पूजा, रुद्राभिषेक करना, हर समय अभिषेक करना। भगवान शंकर की 3 बार पूजा होती रात्रि में। सुंदर पूजा करते करते महाराज क्या हुआ, बोले अर्धरात्रि में एक चोर आ गया। अब शरण जी पूजा करवा रहे थे, चोर ने देखा शंकर भगवान के मंदिर में, बोले एक बहुत सुंदर सोने का घंटा लगाया हुआ है। अब चोर ने देखा सोने का घंटा तो है, लेकिन ये सेठ जब यहां से निकले तब तो चुरा के ले जाऊं, ऐसे कैसे ले जाऊं। अर्धरात्रि की पूजा पूरी हो गई, और पूजा पूरी होने के बाद में उसी समय सेठ जी पंडित जी तो अपने घर चले गए। पीछे से चोर जी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करके देखा कि घंटा तो सोने का, हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, कैसे चुराए। विचार किया ये शिव की पिंडी तो रखी है। उसी समय चोर भगवान शंकर की शिव पिंडी के ऊपर चढ़ा, और चढ़ के घंटा चुराने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। भक्त वरदान वरम ब्रूयम, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। चोर ने, महाराज मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा जेब कतरा डाकू चोर हूं, क्षमा करे। बोल नहीं,
तुम ये मत सोचना कि भगवान विष्णु ही वरदान देते हैं।